अब बात करते हैं महोबा की, जहां आरोपी को पकड़ने पहुंची टीम पर ही पुलिस की हमला हो गया है। ईंट पत्थर से हमला किया गया है। मामला चरखारी इलाके का है। पुलिस हिस्ट्री शीटर अपराधी राकेश यादव को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन परिजन जो राकेश यादव के थे उसने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और इसी पूरे मामले पर 2 महिला सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। पत्थर से हमला किया गया है। मामला चरखारी इलाके का है। पुलिस हिस्ट्री शीटर अपराधी राकेश यादव को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन परिजन जो राकेश यादव के थे उसने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और इसी पूरे मामले पर 2 महिला सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। पत्थर से हमला किया गया है। मामला चरखारी इलाके का है। पुलिस हिस्ट्री शीटर अपराधी राकेश यादव को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन परिजन जो राकेश यादव के थे उसने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और इसी पूरे मामले पर 2 महिला सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। पत्थर से हमला किया गया है। मामला चरखारी इलाके का है। पुलिस हिस्ट्री शीटर अपराधी राकेश यादव को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन परिजन जो राकेश यादव के थे उसने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और इसी पूरे मामले पर 2 महिला सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। पत्थर से हमला किया गया है। मामला चरखारी इलाके का है। पुलिस हिस्ट्री शीटर अपराधी राकेश यादव को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन परिजन जो राकेश यादव के थे उसने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और इसी पूरे मामले पर 2 महिला सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। पत्थर से हमला किया गया है। मामला चरखारी इलाके का है। पुलिस हिस्ट्री शीटर अपराधी राकेश यादव को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन परिजन जो राकेश यादव के थे उसने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और इसी पूरे मामले पर 2 महिला सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। पत्थर से हमला किया गया है। मामला चरखारी इलाके का है। पुलिस हिस्ट्री शीटर अपराधी राकेश यादव को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन परिजन जो राकेश यादव के थे उसने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और इसी पूरे मामले पर 2 महिला सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।